अस्सलाम वालेकुम वाजिस नाज़रीन इकराम, आज की ये मेरी वीडियो जो है वो एक जड़ी बूटी के हवाले से है और उस जड़ी बूटी का नाम है धमासा बूटी। धमासा बूटी जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, बड़ी फ़ायदेमंद है। ये एक नेचुरल चीज़ है और इसके तकरीबन 10 फ़वाद हैं। 10 फ़वाद के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं तफसीली तौर पर आज डिस्कस कर सकता हूँ और आपको ये बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो है वो मौत के अलावा काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों के अंदर इस धमासा बूटी का बहुत बड़ा रोल और किरदार है। ये जो है वो तकरीबन जो हिली एरिया होती हैं उनमें ये हर्ब मेडिकेशन जो है वो मौजूद होती है और ये फीवर के लिए, आपकी स्किन डिजीज़ के लिए, आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए, एज़ वेल एज़ कैंसर और हेपेटाइटिस के लिए ये धमासा बूटी जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। अपना इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है फेगोनिया अरेबिका, फेगोनिया अरेबिका, या उसके अलावा एक और भी इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेगोनिया क्रेटिका। तो ये दो साइंटिफिक नेम हैं। ये एक शरब होता है, ये 1-3 फीट हाइट में जो है वो ये मौजूद होती है और ये तकरीबन मेडिटेरेनियन रीजन जो है, जिस तरह के पाकिस्तान का रीजन है, इंडिया का रीजन है या अफ्रीका का रीजन है, जाबरू पट्टी के ऊपर इन ममालिक के अंदर ये काफ़ी हद तक के अवेलेबल होती है और मिलती है। और ये धमासा बूटी जो है वो सच्ची बूटी के नाम से भी याद की जाती है और ये पाउडर फॉर्म में ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप जो हैं वो इजीली जो परचेज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है रिसर्च के दौरान ये फील हुआ है कि ये धमासा बूटी जो है या फेगोनिया अरेबिका जो है ये तकरीबन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखती है और उस हवाले से ये जो है वो काफ़ी बीमारियों के अंदर अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। धमासा बूटी जिस का रोल जो है वो एक एंटी कैंसर रोल है, ये हार्ट डिजीज़ के अंदर जो है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है, ये जो है वो हेपेटाइटिस के साथ फाइट करती है, ये जो है वो ब्लड क्लिनज़र है, अगर खून की ख़राबी है, चमड़ी की बीमारियां हैं तो उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, आपके दिल के हवाले से, आपके दिल के ताकत के हवाले से ये बड़ी इफ़ेक्टिव है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा, दमे के जो पेशेंट होते हैं अगर वो इस्तेमाल करें तो उनका दमा जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर बन सकता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी एलर्जिक, कहीं भी एलर्जी हो, स्नीजिंग हो, नाजिया हो या उसके अलावा स्किन एलर्जीज वगैरह जो हैं तो उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इट बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, जहनी तवाज़ुन जो है वो उसको आप मजबूत करने के हवाले से ये काफ़ी रोल प्ले करती है। इट हैज़ कूलिंग इफ़ेक्ट, अगर आपके अंदर पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है या जड़ है या मैदे का और कोई ज़ख़म वगैरह है, मैदे की गर्माश वगैरह है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ इफ़ेक्टिव अगेंस्ट पीसीओस, जो फीमेल के अंदर पीसीओस होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं, तो उनमें भी जो है वो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो नंबर वन पर इसका जो किरदार है वो है एंटी कैंसरियस। धमासा बूटी जो है वो एक कैंसर फाइटिंग हर्बल मेडिसिन के नाम से भी याद की जाती है। ये कैंसर के साथ जो है वो फाइट करती है। इसके जो फ्लावर्स हैं या इसके जो लीव्स हैं वो बड़े इफ़ेक्ट होते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर, बहुत सारी जो कैंसर टाइप्स होती हैं तो उनमें जो हैं वो ये बहुत बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। स्पेशली अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर इसका रोल होता है, लिवर कैंसर इसका रोल होता है, लंग कैंसर के अंदर जो है वो इसका रोल होता है, एनल कैंसर के अंदर जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और नंबर टू पर जो है वो कीप्स हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट डिजीज़ जो हैं उनके हवाले से ये जो है वो हार्ट को काफ़ी बेहतर बनाती है और हार्ट डिजीज़ से रिलीफ लेने के हवाले से
ये बड़ी इफेक्टिव है। ये दमासा बूटी जो है ये हार्ट प्रोटेक्टिव है, ये प्रिवेंट्स करती है हार्ट डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक्स या ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं, या हार्ट के किसी भी आर्टरी के अंदर अगर कोई क्लाट वगैरह पैदा हो जाता है और आपको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है या बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है, तो उन कंडीशंस में, या अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज है, तो उसको कंट्रोल करने के हवाले से भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इट फाइट्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस, यानी वो हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो, उसके खिलाफ ये जो है वो बहुत बड़ी फाइटिंग करती है, बड़ा मुकाबला करती है, और काफ़ी हद तक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को बेहतर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल और किरदार है। उसके अलावा इट इज़ ए ब्लड क्लींजर। धमासा बूटी जो है ये प्यूरीफाई करती है, साफ़ करती है आपके ब्लड को, और आपके जो है वो ब्लड क्लाट्स वगैरह हैं उनको ब्रेक डाउन करती है, और ये आपकी हेल्थ कंडीशन को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है। खुसूसी तौर पर जो ब्रेन हेमरेज होती है या सेरिब्रो वेस्क्यूलर एक्सीडेंट वगैरह सीवीए के जो केसेस होते हैं, तो उनसे बचाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके अलावा जो ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, जिस तरह थैलेसीमिया है, तो उसमें भी जो है वो ये बड़ी इफेक्टिव है। और नंबर फिफ्थ पर, इट इज़ गुड फॉर लिवर। लिवर फेगोनिया इज़ बेनिफिशियल फॉर द लिवर। इट इम्प्रूव्स ओवरऑल लिवर हेल्थ एंड कीप्स लिवर डिजीज एट बे। यानी कि ये जो है वो लिवर डिजीज से, लिवर सिरोसिस, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी की जो कंडीशन होती है, हाजमे की जो खराबी होती है, भूख बिल्कुल भी जो नहीं लगती, एंजाइटी या नाजिया वगैरह जो पैदा होती है, तो उसमें दमासा बूटी का जो है वो बड़ा इफेक्टिव रोल है। और ये जो है वो जो लिवर है उनमें जो टॉक्सिन्स वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने के हवाले से भी इसका बहुत बड़ा रोल है। और फेगोनिया या दमासा बूटी जो है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर एस्मा। इट्स यूज इज़ नोन टू बी इफेक्टिव इन पीपल एक्सपीरियंसिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, दमे के पेशेंट्स हों, सांस लेने में दुश्वारी हो, सीओपीडीज के जो पेशेंट हों, नमोनिया के जो पेशेंट्स हों, इवन इस हद तक जो प्लूरल इफ्यूअन के पेशेंट हों, तो इनमें जो है वो इसका बहुत बड़ा इफेक्टिव रोल है। और एंटी एलर्जिक, जिस तरह मैंने बताया कि ये इफेक्टिव है मल्टीट्यूड ऑफ एलर्जीज से, इसका जो यूज़ है पाउडर वो फाइट करता है वेरियस स्किन डिजीजेस लाइक पिंपल्स, एक्नी, स्मॉल पॉक्स, सिस्ट, हाइपर पिगमेंटेशन, तो इनके अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत बड़ा इफेक्टिव है। नेक सोइलिंग वगैरह जो होती है उसमें भी बड़ा इफेक्टिव है। और अगर आप एक्नी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या स्मॉल पॉक्स या पिंपल्स को ख़त्म करने के हवाले से आप यूज़ करते हैं, तो इसका पेस्ट बनाकर आप चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये जो है वो मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है, स्ट्रेंथन करती है, आपके ब्रेन को इम्प्रूव करती है। ये आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जिस तरह के डोपामाइन है, सिराटोनिन है, या इसी तरह के दूसरे जो केमिकल्स हैं, उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। और आदमी को जो गुस्सा होता है, आदमी को जो है वो डिप्रेशन पैदा होता है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर वगैरह होता है, तो उसमें काफ़ी हद तक के बेहतरी आ सकती है। और उसके साथ इसका जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट है, यानी कि ये बड़ी वंडरफुल है। ये पाउडर जो है सूद करता है आपकी बॉडी को और कूलिंग इफेक्ट देता है। आपकी बॉडी के ऊपर अगर दाने पैदा हो जाएं, आपकी बॉडी के ऊपर अगर ख़ारिश वगैरह पैदा हो जाए, तो पाउडर की तरह आप अपनी बॉडी के ऊपर लगाकर आप काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। और ये जो है वो काफ़ी हद तक जो स्टोमेटाइटिस होता है, यानी मुंह जो है वो पक जाता है, मुंह ख़राब हो जाता है, मुंह के अंदर जो है वो छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी हद तक रिलीव करता है, क्योंकि ये स्टमक को बेहतर करता है और स्टमक के हाजमे के सिस्टम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। और आप समझते हैं कि स्टमक की इन्फ्लेमेशन की वजह से सोर माउथ होती है, तो ये जो धमासा बूटी है ये सोर माउथ वगैरह को ख़त्म करती है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।